में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। मेरठ 2 जून 2020 एक घंटे में 3 मुठभेड़, 3 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मेरठ पुलिस का अपराधियों और अपराध पर लगातार कहर जारी है। मेरठ एसएसपी अजय साहनी के शानदार प्रयासों से मेरठ में अपराधियों को लगातार अपराधियों की धरपकड़ और अपराधियों को पकड़ने का अभियान कहें या मुहिम कहें जारी है। पिछले दिनों लगातार मुठभेड़ों में मेरठ पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है, वो खबरें लगातार हमने आपको दिखाई है। वहीं आज यानी 2 जून 2020 को एक घंटे के अंदर 3 मुठभेड़ और अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एक घंटे के अंदर 3 मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए जबकि 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पहली मुठभेड़ लुधियाना से छात्रा को भगाकर लाए साकिब उर्फ अमन के साथ हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस महत्वपूर्ण सुराग पता लगाने के लिए साकिब को लेकर जा रही थी तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस आत्मरक्षा में साकिब को 3 गोली लगी है। दूसरी मुठभेड़ कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डाब का इलाके में हुई, जिसमें मुठभेड़ के बाद बागपत के छपरौली का रहने वाला बॉबी को अरेस्ट किया है, इसको भी पुलिस की गोली लगी है। मुठभेड़ पर सीओ दराला व पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। इसके उपरांत मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। मुंडाली एसओ रविचंद्रवाल ने बताया कि मुंडाली थाना क्षेत्र में एक बदमाश गुलसनवर उर्फ बागे निवासी ग्राम कायस बड्डा थाना किठौर ने पुलिस को देख कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गुलसनवर घायल हो गया। इस दौरान उसका एक साथी भागने में फरार होने में सफल हो गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, कॉम्बिंग जारी है। बदमाश के पास से अवैध असला, 1 बाइक और कारतूस बरामद हुए हैं। सभी घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। ये आज एक अभियुक्त था साकिब, जिसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, वहाँ से ये आरक्षी था, उसकी हथियार छीन के ये भागा और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इसके द्वारा फायरिंग की गई, जिससे एक आरक्षी को गोली लगी है और पुलिस द्वारा की गई काउंटर फायर जो हुई है उसमें साकिब को 3 गोलियाँ लगी हैं और इसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, ये पंजाब में एक एकता नाम की युवती थी जिसकी हत्या इन्होंने सर काट कर की थी और 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था उस संपर्क में, जिसमें अलग अलग जेल ले जाया जा रहा था। वहाँ से चूंकि संख्या ज़्यादा थी तो भागने का अटेम्प्ट किया था पिस्टल लेके और तत्परता से पुलिस टीम ने पीछा किया और इसको जिला अस्पताल ले जा रहा है। बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।